आजमाना जाएगा। अब इस वाक्य से जो बात पता चली सफर आखिरत के ताल्लुक से वो क्या है, क्या बात पता चली मालूम आपको? बात ये पता चली कि कुरान वो किताब है जो मुनकर और नकीर के सवालात के जवाब हमको दिलवा सकती है। कुरान वो गाइड बुक है जिसमें कब्र का जो एग्जाम और इम्तिहान है उसके जवाबात मौजूद है। समझ रहा है बात को? फर्स्ट पॉइंट तो ये निकला कि तो फोर्थ जो क्वेश्चन था उनका, उसमें नेक इंसान का जवाब और बद इंसान का जवाब हम सुन चुके हैं। दूसरा, जो कुरान पर ईमान जो है लाए और पढ़ा वही खबर के इम्तिहान में कामयाब हो सकता है। दूसरा पॉइंट ये पता चला, कुरान वो गाइड बुक है जिसमें आंसर्स है। दूसरा पता, जो इसको पढ़ता है, जो इस पर अमल करता है, उसी के लिए सफर आखिरत ईजी और आसान होता है। तीसरा पॉइंट पता चला, काफिर और मुनाफिक पर सबसे पहला फर्द जुर्म जो आयद होगा, काफिर और मुनाफिक पर सबसे पहला जो फर्द जुर्म इंडिविजुअल क्राइम उन पर साबित होगा खबर में, वो कुरान का न पढ़ना है। बाकी कुछ नहीं हो रहा, देखिए अभी शिर्क नहीं हो रहा कुछ, कुरान का न पढ़ना है। पहला फर्द जुर्म कबर में जो काफिर और मुनाफिक पे आयद होगा, फर्स्ट क्राइम जिसके लिए वो पनिशेबल होगा, उसको पनिशमेंट दी जाएंगी, वो क्या होगा? कुरान का ना पढ़ना और ना समझना। पता चला तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या पता चला इस हदीस से? वो ये, कुरान पढ़ने और समझने के लिए अल्लाह ने हमें क्या दी है? अकल। इसीलिए जब इसका सही इस्तेमाल नहीं हुआ तो हथौड़ा इसी पे पड़ रहा है, कनपट्टी पे हथौड़े मारे जा रहे हैं, सर पर हथौड़ा मारा जा रहा है। क्यों? तो कुरान इसीलिए है कि कुरान मतलब अल्लाह ने जो अक्ल दी है वो इसीलिए दी है कि इस अक्ल को अल्लाह की किताब को पढ़ने और समझने में मुसलमान तू लगा दे। अरे इंसान है, काफिर है, मुनाफिक, तुझे जो अल्लाह ने अक्ल दी थी तूने अल्लाह की किताब को नहीं समझा, दीन हक को नहीं समझा, तो फर्ज जुर्म साबित हो रहा है, मारा उसी कनपट्टियों और जो सर पर मारा जा रहा है। पता चला अक्ल अल्लाह ने अल्लाह की किताब को पढ़ने समझने और उस पर अमल करने के लिए दिए, उसकी प्लानिंग करने के लिए दिए। लेकिन कितनी अफसोस की बात है, अल्लाह की किताब का जब मामला आता है, मेरा और आपका हाल ये कि हम लोग इसको कितना इजी लेते हैं। मैं आपको क्या कहूं, मैं आपको क्या कहूं, मैंने ऐसे हालात देखे हैं, ऐसे हालात देखे हैं कि एक मजमा है, उस मजमे में अगर कोई ये पूछ ले कि कितने अंबियों के नाम कुरान में है, कितने अंबियों के नाम कुरान में है, तो मैं समझता हूं राइट आंसर पाने के लिए तकलीफ और मशक्कत से गुजरना पड़ेगा कि कितने अंबियों के नाम है। मैं तो ये भी कहता हूं कि कुरान से इतनी दूरी हमारी कि कोई ये पूछ ले ना कि कितने सूरे हैं कुरान में, तो वेरियस फिगर्स आपके सामने आएंगे, 256, 255, 112, 113, 100, जिसने जहां तक पढ़ा उसको लगा वहां तक सूरे है बस। समझिए आप बात को, आंसर नहीं पता कि अल्लाह की किताब में कितने जो है सूरे हैं। अगर मैं ये कहूं अल्लाह की किताब आखिरत का सिलेबस और गाइड बुक है तो इसके चैप्टर्स कितने, उतना तो मालूम होना चाहिए ना, है ना। माशाल्लाह ऐसे लोग इस मजमे में और जो मुझे सुनेंगे वो सुन रहे हैं जिन्होंने डिग्रियां ग्रेजुएशन, मल्टीपल ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, मल्टीपल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन, डॉक्टरेट, पोस्ट डॉक्टरेट, डबल डॉक्टरेट, ट्रिपल डॉक्टरेट, रिसर्च, जूनियर साइंटिस्ट, सीनियर साइंटिस्ट, ये अलखाब वो अलखाब, ये अल्लामा वो सर, सब कुछ किया, लेकिन अल्लाह की किताब के 114 चैप्टर पर रिसर्च तो दूर की बात है, इसको तर्जुमे से भी नहीं पढ़ा आज तक। ये सिलेबस पर तो रिसर्च ही रिसर्च है, लेकिन पढ़ाई नहीं होगा, अंबियाओं के नाम पूछ लिया नहीं पता होंगे, लेकिन हाँ अगर ये पूछ लिया जाए कि आप ये बता सकते हैं कि इंडियन टीम में कितने लोग हैं, हाँ माशाल्लाह ये टीम में इतने 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 लोग हैं, वो टीम में कितने लोग हैं, फला जो गेम खेलती है इतने इतने लोग हैं, अच्छा ये टीम ने 2000 में जो वर्ल्ड कप खेला था कितने थे उसमें, ये इतने थे, ये खेलने वाले थे और इतने लोग बैठे हुए थे, मतलब सिटिंग प्लेयर्स थे, उसके बाद 2004 में ये हुआ, 8 में ये हुआ, 12 में ये हुआ, 16 में अभी होने वाला, ये तय हो रहा, उनको सब पता है। सिलेबस का मामला ले, 8th की केमिस्ट्री की बुक के अंदर इतने सब्जेक्ट थे, सीरीज था, पेपर वन पेपर टू, फर्स्ट के अंदर 12 चैप्टर्स थे, सेकंड में 12 चैप्टर्स थे, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9th में ऐसा हुआ 14 चैप्टर्स थे, 14 इसमें चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 पूरे 28 याद है, 10th का ये हाल था, 11th में ये पढ़ा, 12th में ये पढ़ा, ग्रेजुएशन ये पढ़ रहा हूं, सब पता है, लेकिन कुरान के कितने चैप्टर्स हैं? नहीं नहीं मुझे तो मालूम है, अगर मालूम है तो अगर मैं कहूं नाम बताइए 114 की क्या है, 10 गिना दीजिए, 20 गिना दीजिए, नहीं वो नहीं हो सकता, लेकिन 114 इतना मालूम है। हालत ये है कुरान के साथ, बाकी दीगर किताबों को तो ऐसे भी लोग है सफा पढ़ रहे हैं और एग्जाम के दिन नजर आ रहे तो वो पेपर्स गिर रहे हैं उसमें से, इसलिए कि वो पढ़ पढ़ के फाड़ दिया उसने किताब को, पी गया बोलते ना काम से, पी गए हैं। लेकिन अल्लाह किताब का मामला क्या है, क्या है मामला, कितनी दूरी है कि कुरान घर में अगर एक आ जाए तो सदियों चलता है,
मैं ये कहता हूँ कुरान अल्लाह की किताब है, लेकिन कागज और कवर तो दुनिया का है ना, इस्तेमाल होगा तो फटेगा, इस्तेमाल होगा तो खराब होगा, इस्तेमाल होगा तो उसके वर्क अलग होंगे, लेकिन आपके पास तो सदियों पुराना कुरान है। इसका मतलब सिलेबस बुक पढ़ी नहीं जा रही है, जिसके नतीजे में वो टेक्स्ट बुक जैसी की वैसी अच्छी की अच्छी धरी रखी हुई है। और कितनी अफसोस की बात है ना, एक आदमी सफर आखिरत के लिए निकला है, सफर आखिरत के लिए अल्लाह ने कहा दुनिया में जा रहे हो, सफर आखिरत की गाइड बुक ट्रैवल कैटलॉग होता है ना, जो लोग सफर करते हैं दुनिया के किसी कोने में जाना है, वो जबान आपको नहीं आती, ट्रैवल कैटलॉग आप लेकर चले सफर में, खोला कैटलॉग, अच्छा माशाल्लाह यहाँ जाना ये करना है, करेंसी रेट ये है, ये होटल्स ऑफिशियल गवर्नमेंट के, ये फलाएं, माशाल्लाह मेरा सफर बहुत अच्छा रहा इसलिए कि मैं पूरा गाइड बुक को फॉलो कर रहा था, है ना। अब उस ट्रैवलर के, उस मुसाफिर का क्या कहना जिस मुसाफिर ने गाइड बुक तो लिया और गाइड बुक को लेकर या तो पीठ के पीछे डाल दिया तो सर के ऊपर रख लिया, दोनों में से कोई एक काम किया, और वो लोगों से रास्ता पूछ रहा, भाई साहब मेरे को इधर जाना कैसे जाऊं, भाई साहब मेरे को उधर जाना कैसे जाऊं, तो कोई अकलमंद इंसान कहे अहमक तेरे सर पे ट्रैवल कैटलॉग गाइड बुक रखी है और तू लोगों से पूछता है, लोग तुझे घुमा देंगे दुनिया में, समझ रहे हो। आज हमारा हाल यही है, हमने कुरान जो गाइड बुक है उसको सिर्फ क्या किया मालूम आपको, या तो पीठ पीछे डाला या तो कहा बहुत ऊंची किताब है लिहाजा ऊपर रख दो सर के, बस दोनों में से कोई एक मुकाम है, घर में सबसे ऊपर या फिर पीठ के पीछे अहकामात के अतबार से, हमने ख़त्म कर दिया मामला। तो इसकी अहमियत को जगाना है हमको, इसलिए कि ये वो किताब है जो किताब सफ़र आखिरत में हमारे लिए आसानियां कर सकती है, ये वो किताब है जो सफ़र आखिरत की इब्तिदा के सवाल के जवाब दिलवा रही है, और ये सफ़र आखिरत का फर्स्ट स्टेज था, पहला मरहला था जिसके ताल्लुक से मैंने तस्करा किया। ये सफ़र इसके बाद बहुत लंबा चलेगा, नेकोकार आराम से सो रहे हैं, रोज़े क़यामत उठेंगे, और बदकार गुनाहगार कंटिन्यूसली पनिशमेंट में, अजाब में हैं, तकलीफ में पल पल, और उतने दिनों तक वो लोग तकलीफ में, अजियत में और अजाब में होंगे, रोज़े क़यामत उठाए जाएंगे, डरेंगे, घसीट घसीट कर, धक्का दे देकर, पकड़ पकड़ कर, खींच खींच कर लाए जाएंगे, मकाम महशर में खड़े होंगे, लोग घसीट घसीट कर, ग्रोह दर ग्रोह आमाल के एतबार से, या तो खींच कर, या तो घसीट कर, या तो चल कर खुद से आएंगे, नेक लोग याद रखे जमा होंगे, और उस दिन सूरज इतना करीब होगा, एक मील के फासले पर, 1.5 से 2 किलोमीटर का फासला से सूरज होगा, इंसान पसीने में शराबर होंगे और इंसान अल्लाह के सामने खड़े होंगे और फर्दन फर्दन जाकर जवाब देंगे, मीज़ान लगेगा, पुल सिरात से गुजरना है, फिर वो आखिरी फैसला जन्नत और जहन्नम का होगा। तो आज इस वक्त में मैंने आपके सामने वो पहला सफ़र, उस सफ़र का पहला मरहला और पहला हिस्सा रखा। मेरे भाइयों बहुत लंबा सफ़र करना है, बहुत लंबा सफ़र करना है, तैयारी भी उतनी मजबूत करना है उस सफ़र की हमको, ताकि कभी भी इस सफ़र के लिए फरिश्ते आ सकते हैं कि चलना है, और इस सफ़र आखिरत को आसान करने की तरकीब अल्लाह की किताब को पढ़ कर समझिए और खूब नेकियाँ करिए, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये सफ़र आखिरत अच्छा गुजरेगा, वरना पहले खबर से जो शुरू होगा मामला बुराई का और मार का, तो फिर आखिरत में क्या होगा अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मैं अपनी बात को ही ख़त्म करूंगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह सुब्हान तआला हम तमाम के लिए मौत जो है आसान करे, हम तमाम का जो है हुस्ने खातिमा करे, हम तमाम के लिए मौत के बाद के तमाम मरहलों में आसानियाँ करे, मुनकर नकीर के सवालात में आसानियाँ करे, और दीगर जितने मरहल आखिरत के अल्लाह ताला उसमें हमें हमारे लिए आसानी करे, और बिल आखिर अल्लाह ताला हम पर अपना रहम और फजल करे, ताकि हम जो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जन्नत के मुस्तहक बने और जहन्नुम से नजात पाए। तो ये चंद बातें थी जो मैंने मुनासिब समझी आपके सामने रखना। वाखिरु दावाना अनिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, वसलामुन अल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।